हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम प्रेजेंटिंग यू थर्ड पार्ट ऑफ माय इनकम टैक्स एक्ट लॉ। ये मेरी थर्ड वीडियो है जो इनकम टैक्स लॉ पर है, ठीक है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था टैक्स इनकम टैक्स क्या होता है, इंट्रोडक्टरी। सेकेंड वीडियो थी मेरी रिगार्डिंग अबाउट स्लैब्स एंड हेड्स ऑफ इनकम टैक्स। थर्ड वीडियो में मैंने आपको इनकम टैक्स के 17 क्वेश्चन दिए थे। सॉरी, ये मेरी फोर्थ वीडियो है। आज जो मैं देने जा रहा हूँ आपको, फिर से 20 क्वेश्चंस देने जा रहा हूँ। मैंने टोटल 80 क्वेश्चंस का प्लान है मेरा। 80 क्वेश्चंस आपको दूं, जैसे मेरे अदर्स जितने भी मैंने बनाए बिजनेस, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके 80 क्वेश्चंस है, तो इसके भी 80 क्वेश्चंस दूंगा। तो मैं 17 दे चुका हूँ आपको, इसमें भी 20 दूंगा और बाकी सब मैं 20 और 23 करके कवर करूंगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में। वीडियो को एंड तक देखना, एक एक क्वेश्चन पर डिटेल में समझाया हुआ है, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी तो आप किस पे पूछ सकते हैं, आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। पूरी वीडियो जरा सी भी स्किप मत करना, मैं इसमें अच्छे से समझाऊंगा कि ग्रेच्युटी क्या होती है, गियरनेस अलाउंसेस क्या होते हैं, सैलरी क्या होती है, ठीक है। तो वीडियो के साथ बने रहिए। अगर आपको कुछ और रिक्वायरमेंट है तो आप वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या कोई और सब्जेक्ट में कोई क्वेरी है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो के साथ पूरे बने रहिए। तो स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज के अपने नेक्स्ट वीडियो में। जो पहले वीडियो में मैंने 17 क्वेश्चन दे दिए थे, वो अराउंड 20 क्वेश्चन पहले दो पार्ट में बना चुका हूँ। तो ये थर्ड भी पार्ट है मेरा 20 क्वेश्चन का, और मैंने टोटल 80 क्वेश्चन देने आपको इनकम टैक्स के भी, जैसे मैंने पुरानी वीडियोस में आपको क्वेश्चन करवाए थे वैसे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं, बिना टाइम वेस्ट करो वीडियो को पूरा देखें, आपको यह हेल्प कर सकता है। जैसे एमसीक्यूज आएंगे आपको, 8 तारीख को आपका एग्जाम है, तो वीडियो जितना ज्यादा हो सकता है शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी रिसीव बाय अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज, अब ग्रेच्युटी पहले सबसे पहले ग्रेच्युटी क्या होता है। ग्रेच्युटी वो होता है जो इनकम, एडिशनल इनकम मिलती है सैलरी के साथ। ग्रेच्युटी मिलता है जो हमारे को बेनिफिट मिलते हैं, एम्प्लॉयज को बेनिफिट मिलते हैं सैलरी के साथ। तो और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर मिलते हैं तो दोनों को मिलेंगे ना, गवर्नमेंट को भी मिलेंगे प्राइवेट को भी। जो गवर्नमेंट को मिलेंगे वो क्या होते हैं, फुल्ली एग्जेम्प्टेड होते हैं, उस पर हमारा टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। तो जो ग्रेच्युटी है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, उस पर वो फुल्ली नॉन टैक्सेबल होती है, उस पर टैक्स नहीं लगता। तो इसका आंसर है फुल्ली एग्जेम्प्टेड, ओके। सेकेंड क्वेश्चन, द पीरियड पेमेंट ऑफ मनी फॉर पास्ट सर्विस इज नॉन एस, जो हमने पहले टाइम पहले काम कर लिया और उसके बाद में हमारे को उसको मिलती है, मतलब उसका पैसा हमारे को बाद में मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जब कोई रिटायर हो जाता है उसके बाद हमें क्या मिलता है, तो उसके बाद हमें क्या मिलता है, पेंशन मिलती है। पीरियड पेमेंट पास्ट सर्विस, पास्ट सर्विस के पेमेंट को हम क्या बोलते हैं, पेंशन बोलते हैं, ओके। तो इसका आंसर क्या है, पेंशन है इसका आंसर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया वेदर अकर्ड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया दैट टैक्स इंसिडेंस इन केस ऑफ द रेजिडेंस इज, अगर हमने इनकम को रिसीव करा इंडिया के अंदर या इंडिया के बाहर रिसीव करा, बट पेमेंट हमारे को मतलब इंडिया के बाहर करा बट वो टैक्सेबल इंडिया के अंदर होगा, तो वो किस हिसाब से टैक्सेबल होगा, वो टैक्सेबल होगा एज पर स्लैब्स। जो मैंने स्लैब्स बताए थे आपको, जब मेरी सेकेंड वीडियो आई थी इनकम टैक्स की, मैं पूरा इसके थंबनेल बना के डालने वाला हूँ, ठीक है। तो जो हमारी सेकेंड वीडियो आई थी उसमें मैंने बताया था आपको, स्लैब्स बताए थे, डिफरेंट डिफरेंट स्लैब्स होते हैं, तो इस स्लैब्स में टैक्सेबल एज पर स्लैब्स होता है वो, ठीक है। तो वो कौन से किसके हिसाब से देगा, वो स्लैब्स के हिसाब से, जिस स्लैब में उसकी इनकम आ रही होगी उसके हिसाब से क्या करेगा, पेमेंट करेगा। सैलरी रिसीव बाय अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब एमएलए को जो पेमेंट मिलती है वो टैक्सेबल अंडर विच हेड, मैंने हेड्स बताए थे इनका, आपको 5 हेड्स होते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो अगर किसी को सैलरी मिल रही है, अगर किसी को सैलरी मिल रही है तो वो किसके अंदर आएगी, इनकम फ्रॉम सैलरी, बट अगर वो सैलरी एमएलए को मिल रही है तो वो कहां पे आएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इसलिए ये कुछ ये वाला क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम द लैंड विच इज सिचुएटेड इन इंडिया एंड इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर पर्पस इज, अगर कोई भी काम हो रहा है हमारा, कोई भी काम हो रहा है एक्सेजेड, कोई भी काम हो रहा है, अगर हमने इनकम कमाई उसकी और इनकम वो हम यूज कर रहे हैं, मतलब कोई भी लैंड अगर हम यूज कर रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए, उससे जो हमारे को इनकम आई तो वो क्या होता है, नॉन टैक्सेबल होता है, या तो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, या इसको हम बोल सकते हैं नॉन टैक्सेबल। आपको जहां पे वर्ड दिख गया एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर पर्पस दिख गया तो वो चीज क्या हो जाएगी, नॉन टैक्सेबल या एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स हो जाएगी। अगर आपको स्टूडेंट्स अच्छी लग रही है वीडियो तो आप प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में।
DNS allowances is taxable in the head of DNS जो DNS allowances होते हैं सैलरी के साथ एडिशनल इनकम मिलती है हमारे को DA वगैरह मिलते हैं जो एडिशनल खर्चा करने को मिलता है वो किसके हेड में होता है मतलब वो किस कौन कौन उसको टैक्स करता है उसको गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट कोई भी होगा वो टैक्सेबल होगा ग्रेच्युटी हमारी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को नहीं लगती बट DA हमारा गवर्नमेंट को भी लगता है और नॉन गवर्नमेंट को भी लगता है तो इसको या तो गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट एक ऑप्शन में होगा या ऐसा होगा गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट या बोथ ठीक है या नन ऑफ दिस तो आपको इसमें बोथ लगा के आना है मतलब गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट अब नेक्स्ट क्वेश्चन है परपसेस टू एम्प्लॉय कवर्ड इन द IT एक्ट 1961 अंडर हमारे को सेक्शन पूछेगा इसके अंदर कि परपसेस जो परपसेस होते हैं जो सैलरी के साथ एडिशनल बेनिफिट मिलते हैं वो कवर होते हैं अंडर कौन से सेक्शन के अंडर कवर होते हैं तो पहली बात मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में जो हमारी सैलरी है सेक्शन 15 से 17 तक कवर होती है बताया था तो इसमें ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है आपको क्या होगा तीन चार ऑप्शन दिए होंगे और उसके अंदर एक ही ऑप्शन होगा जो 15 से 17 के बीच में लाई करेगा ठीक है तो जो सा भी ऑप्शन आपको लाई करेगा उसको आप आंखें बंद करके आंसर लगा लेना सेक्शन 17B या याद करना तो वेल एंड गुड है कि आप सेक्शन 17B लगा दीजिए ठीक है तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट कंसेशन लोन्स टू एम्प्लॉय इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ लेंडिंग रेट ऑफ डैश फॉर द सेम पर्पस कौन सा बैंक है जो लेंडिंग रेट्स का जो होता है उस पे एग्जेम्प्टेड मिलती है कौन से बैंक का कौन सा ऐसा बैंक है जिसके रेट पर हम एग्जेम्प्शन को रूल करते हैं तो वो कौन सा बैंक है SBI हमेशा याद रखना कि SBI जो उनसे रेट लेगा उसके हिसाब से हम एग्जेम्प्ट करेंगे क्योंकि सबसे पुराना बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का ही पार्ट बना था SBI तो ये सबसे पुराना बैंक है ठीक है तो SBI जितना हमारा लेगा मतलब जितना रेट लेगा उस हिसाब से ही हम कंसेशन देंगे ऐसा नहीं होगा कि ICICI का रेट चल रहा है हम इतना टैक्स दे रहे हैं तो हम इतना लोन पे इंटरेस्ट दे रहे हैं तो हम उसको छूट मिल जाएगी नहीं मिलेगी हमारा SBI है मतलब SBI हमारा गवर्नमेंट बैंक है तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई हम तो अपने हिसाब से छूट देंगे हमें मतलब नहीं है तुम चाहे कितना भी ले रहे हो नेक्स्ट क्वेश्चन वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन अ हाउस ओन्ड बाय द एम्प्लॉय इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय विद अबव 25 लाख पॉपुलेशन इज कैटेगरी सी इसकी मैं एक वीडियो बना दूंगा रेंट के लिए कैटेगरी सी की गवर्नमेंट है नॉन गवर्नमेंट है पॉपुलेशन कितनी है कितनी नहीं है एक्सेप्ट टू स्टेट इंदौर एंड महाराष्ट्र इंदौर एंड मुंबई ठीक है तो 20 लाख पॉपुलेशन से ज्यादा होगा जिसका उसमें कितनी छूट मिलेगी तो 15% ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ द सैलरी कितनी छूट मिल जाएगी इसमें 15% ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ द सैलरी क्या कहा है वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन अ हाउस ओन बाय द एम्प्लॉय कितना रेंट फ्री अकोमोडेशन मतलब जितना हमने देना है उतना हमारे को छूट मिल जाएगी 15% ऑफ सैलरी मतलब इतनी सैलरी हमारी कट जाए बाकी सारी टैक्सेबल हो जाएगी ठीक है हाउस ओन बाय द एम्प्लॉय इन द केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय अबव 25 और नॉन गवर्नमेंट है गवर्नमेंट का फुल कंसेशन होता है फुली एग्जेम्प्टेड ठीक है इंटरेस्ट ऑन RPF बैलेंस इज एग्जेम्प्टेड अप टू जितना इंटरेस्ट होता है RPF का बैलेंस एग्जेम्प्टेड कहां तक एग्जेम्प्टेड होता है वो होता है 9.5% ठीक है RPF का और अब एक कॉपी पेन ले लीजिए और लिखिए RPF की फुल फॉर्म क्योंकि बहुत जरूरी है ये इसका मतलब होता है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड ये वीडियो बहुत ये क्वेश्चन इसकी फुल फॉर्म आ सकते हैं रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड होती है इसकी फुल फॉर्म RPF की ठीक है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11th क्वेश्चन पे आ गए हम आज की वीडियो के नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है द इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज चार्जेबल टू टैक्स इन द जो हमारी प्रीवियस ईयर की इनकम होगी वो हमारी कहां चार्ज होगी इमीडिएटली सक्सेडेड असेसमेंट ईयर मतलब कहां चार्ज होगी हम जो टैक्स देते हैं मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था जो हम टैक्स देते हैं वो हम पूरा साल का पैसा कमाते हैं और नेक्स्ट ईयर हम पिछले साल का टैक्स देते हैं यही बोला गया इमीडिएटली सक्सेडिंग असेसमेंट ईयर जो हमारा इमीडिएटली सक्सेडिंग ईयर होगा उसके अंदर हम क्या देंगे टैक्स देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन द इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इंटरेस्ट होता है लोन पे करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू द नॉन रेजिडेंट्स आउटसाइड इंडिया डैश इन इंडिया जो इंटरेस्ट ऑन लोन पे करती है इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू नॉन रेजिडेंट्स आउटसाइड इंडिया जो
नॉन रेजिडेंस होता है, मतलब किसी ने हमारे उसमें पैसा जमा कराया तो वो एक तरह से लोन दिया, बैंक को डिपॉजिट कराया, उस पर जो हम इंटरेस्ट देंगे वो क्या होगा, नॉट टैक्सेबल या एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, बोथ आर करेक्ट ओके। तो या तो नॉन टैक्सेबल होगा या एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स होगा, देख लीजिएगा आप, ठीक है। द डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुअली रिसीव बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉय और द एम्प्लॉय ऑफ लोकल अथॉरिटी इज, इसका मतलब क्या है, जैसे कोई सोल्जर है शहीद हो गया, ग्रेजुटी तो उसे भी मिलेगी, और वो ग्रेजुटी पे अगर वो जिंदा होता, सबसे पहली बात तो गवर्नमेंट की ग्रेजुटी पे नॉट फुली एग्जेम्प्टेड होता है, बट अगर ग्रेजुटी कोई प्राइवेट एम्प्लॉय और वो एक्सपायर हो गया, उसको ग्रेजुटी मिले तो वो भी क्या होगी, फुली एग्जेम्प्टेड होगी, मतलब डेथ कम रिटायरमेंट, मतलब डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी मिलती है जब, तो वो क्या होती है, फुली एग्जेम्प्टेड होती है, इधर वो गवर्नमेंट है या नॉन गवर्नमेंट है ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसएससी कैन क्लेम रिलीफ अंडर डैश फॉर द एरर्स और एडवांस सैलरी, एसएससी क्लेम कर सकता है रिलीफ अंडर, रिलीफ क्लेम कर सकता है, मतलब ये नहीं है कि मैं इस साल की जगह अगले साल टैक्स दे सकता है, थोड़ी छूट के साथ रिलीफ ले सकता है इनकम टैक्स के अंडर फॉर एरर्स और एडवांस, मतलब वो चेक कर एडवांस में ले रहा है या अपनी एरर हो गई, जैसे हम कॉल इन एरर कॉल इन एडवांस करते थे ना, तो कॉल इन एडवांस मतलब हमने टाइम से पहले ले ली, सैलरी है तो हम तो सैलरी लेंगे ना ठीक है, या तो हमने टाइम से पहले सैलरी ले ली या सैलरी बाद सैलरी हमारी रुक गई है, हम नेक्स्ट ईयर लेंगे, तो उसमें हम क्लेम ले सकते हैं 89(1) के हिसाब से, 89(1) के हिसाब से हम क्लेम ले सकते हैं। तो स्टूडेंट इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, द पेमेंट फॉर ग्रेजुटी एक्ट कम इन टू द फोर्स इन, जो ग्रेजुटी एक्ट का पेमेंट का जो एक्ट है ग्रेजुटी एक्ट का, वो कब आया इनकम टैक्स के अंदर, कब शामिल कर गया, वो शामिल कर लिया गया 1972, और ये क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट ठीक है। आपको एक मार्क्स का क्वेश्चन पूछेंगे तो उसमें थोड़ा एक घंटे का टाइम मिलेगा, स्पैन ऑफ टाइम 1 आवर मिलेगा, तो आपसे बहुत लंबे छोटे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे अभी सॉल्व कराने वाले, वो इसी लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ हर एक चीज को, और कोई भी डाउट होता मेरे इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हैं, आपको इंस्टाग्राम का हैंडल दिख रहा होगा। द डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम अंडर 80 सेक्शन 80C अप टू द लोअर टू द क्वालिफाइंग अमाउंट और द मैक्सिमम ऑफ, जो हम 80C के हिसाब से मैक्सिमम डिडक्शन कितना ले सकते हैं, इस क्वेश्चन का ये मतलब मैक्सिमम डिडक्शन हम 80C के हिसाब से मैक्सिमम डिडक्शन कितने का ले सकते हैं, तो वो कितना ले सकते हैं हम 1 लाख रुपीस का, 1 लाख हमारा मैक्सिमम डिडक्शन होगा, इससे ज्यादा हम डिडक्शन नहीं ले सकते अंडर सेक्शन 80C। डिडक्शन क्या है, सारा 80 के अंदर सारा डिडक्शन का पार्ट आएगा, हम जितना भी डिडक्शन पढ़ेंगे वो 80 के अंदर पढ़ेंगे, सेक्शन 80 उसके अंदर AB मतलब CDEF ऐसे चलेगा ठीक है। प्रॉफिट अर्न फ्रॉम इलीगल बिजनेस आर, अब कई चीजें होती है, जैसे बैटिंग करी किसी ने उस पर उसने इनकम कमाई, तो उस पर क्या टैक्स नहीं लगेगा, उस पर भी तो टैक्स लगेगा, तो जितने भी हमने इलीगल बिजनेस करे, इलीगल बिजनेस से जो भी हमारी इनकम हुई वो बैंक में गई तो वो गवर्नमेंट की नजर में आई, तो वो भी क्या है, टैक्सेबल है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर आएगा और उस पर टैक्स रेट लगेगा 30%, क्योंकि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जैसे लॉटरी, या लॉटरी खेली आपने, लॉटरी खेलने पर क्या होगा, वो टैक्सेबल होगा, 30% टैक्स हमारे गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, तब जाके हम उस चीज को घर पे ला सकते हैं ठीक है। मेडिकल रिइंबर्समेंट इज एग्जेम्प्टेड अप टू डैश इफ ट्रीटमेंट इज डन इन प्राइवेट हॉस्पिटल, अगर हम मेडिकल रिइंबर्समेंट ले रहे हैं ठीक है, वो एग्जेम्प्टेड होगा कहां तक, 15,000 तक अगर हमने प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराया अपना, अगर हमने प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराया तो वो 15,000 तक टैक्स नहीं लगेगा। जैसे हमारा 1 लाख रुपया हमने क्लेम करा तो 1 लाख रुपए में से 15 इसे डिवाइड कर देंगे हम 15,000 और 85,000, तो हमारा 85,000 जो भी आएगा इस पर टैक्स लगेगा, इस पर 15,000 पर टैक्स नहीं लगेगा ओके क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्री फूड प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय इज एग्जेम्प्टेड अप टू, कई सारी कंपनीज होती हैं जो खाने का कोई पैसा देती है, गवर्नमेंट खाने का पैसा दे दिया किसी भी एम्प्लॉय को या खाना प्रोवाइड करवा दिया, तो वो कहां तक, वो भी टैक्सेबल जाएगा, जहां उसे पैसा मिला वो टैक्स के अंदर जाएगा, बट 50 रुपीज पर मील तक नॉन टैक्सेबल है,
इन्होंने पूछा कि एग्जेम्प्टेड अप टू डैश पर मिल तो वो कितना रुपीज हो जाएगा, 50 पर मिल। 50 रुपए गवर्नमेंट कहते हैं भाई 50 रुपए तू एक मिल पे खर्च कर सकता है, तू 50 रुपए का खाना खा सकता है, वो तेरी इनकम नहीं है। पर अगर तू उसके बाद जूस वगैरह जो भी पी रहा है ना उन पैसे का उस पर हम टैक्स लेंगे, तो 50 रुपए तक तो फ्री है, उसके बाद उस पर टैक्स लगता है। द फैमिली पेंशन रिसीव बाय द फैमिली मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस आफ्टर द डेथ ऑफ एम्प्लॉय इज अगर कोई आदमी आर्म फोर्स का है और वो एक्सपायर हो गया और उसकी फैमिली ने उसकी पेंशन रिसीव करी तो वो क्या होगा, एग्जेम्प्टेड होगा आफ्टर फुलफिलिंग सर्टेन कंडीशन। और सर्टेन कंडीशंस होती है हमारी, उसका डेथ सर्टिफिकेट, एम्प्लॉय का डेथ सर्टिफिकेट वो सबमिट होता है, ठीक है। फैमिली मेंबर्स में और कोई इनकम का सोर्स है या नहीं है, ये सब दो तीन कंडीशन है, बट एग्जेम्प्टेड हो जाता है वो आफ्टर फुलफिलिंग सर्टेन कंडीशन। तो स्टूडेंट ये मेरी वीडियो थी छोटी सी 20 क्वेश्चंस की, मैं 17 क्वेश्चन आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ और 40 क्वेश्चन मैंने बाद में देने हैं। अगर आप इस वीडियो को प्यार देंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो आज शाम तक या कल बना दूंगा, तो तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको जो भी डाउट है तो आप मेरे को या तो मैसेज कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप मैसेज पूछ सकते हैं मेरे को इंस्टाग्राम पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। तब तक आप इस वीडियो का इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए।